प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो बाल विद्यानिकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी व्याकरण का अध्याय उपसर्ग। इस ऑनलाइन क्लास से पहले हमने उपसर्ग की परिभाषा और उसके दो भेद के बारे में पढ़ा था। पहला पढ़ा था संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा पढ़ा था हिंदी के उपसर्ग। आज हम पढ़ रहे हैं उर्दू और फारसी के उपसर्ग। उर्दू और फारसी के चार उपसर्गों से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें उर्दू और फारसी के कुछ शब्दांश हैं जो मूल शब्द में लगकर एक नया शब्द बना गया। जैसे कम, यह उर्दू का शब्द है, शब्दांश है, इसका मतलब होता है थोड़ा। ये जो जोर मूल शब्द में जुड़ेगा तो बनेगा कमजोर। दूसरा है कम, ये शब्दांश है उर्दू का, मूल शब्द में जुड़ा बना कम कीमत। फिर दूसरा शब्द है खुश, खुश का मतलब होता है अच्छा। खुश जो शब्दांश है वह मूल शब्द दिल में जुड़ा तो बना खुश दिल, यानी अच्छा दिल। खुश नसीब यानी अच्छा नसीब। फिर है हम साथ, हम शब्दांश है सफर, हम सफर यानी साथ चलने वाला। हम उम्र यानी हम उम्र, एक जैसी उम्र वाले। फिर है हर, हर का मतलब है प्रत्येक। हर माह, हर शब्दांश माह मूल शब्द में हर माह, और हर शब्दांश साल मूल शब्द बना हर साल। इस तरह से हिंदी और फारसी के शब्दांश से मूल शब्द में जुड़कर नया शब्द बना, उसे हम उर्दू और फारसी के उपसर्ग कहते हैं। इस तरह से आज की ऑनलाइन क्लास में आपके हिंदी व्याकरण में उपसर्ग का यह अध्याय यहीं पूरा होता है। इसके बाद आपको ऑनलाइन के माध्यम से इसका अभ्यास करके दिया जाएगा, जिसे आप अपने अभ्यास पुस्तिका में करें। अगली ऑनलाइन क्लास में हम नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।